अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ डॉक्टर जारा और उम्मीद करती हूँ कि आज की कारामल वीडियो आपको पसंद आएगी। बहुत प्यारी वीडियो है डाइट करने वालों के लिए, सब जायका हैरान कुन फायदे आज मैं बताऊंगी ग्रीन टी के। जब जो फायदे हैं वो भी आपको बताऊंगी, जानने के लिए हर कोई इस्तेमाल करने पे मजबूर हो जाएगा। वजन तो मैं कहती हूँ धमाकेदार ऑफर होने वाली है, वजन आपका बहुत जल्दी कम होने वाला है। यकीन माने अगर आप इसको इस्तेमाल करते हो तो आपका बहुत जल्दी वजन कम होने वाला है। ग्रीन टी सबस चाय कंधे कोनियों तक के शरियानों को बहुत जल्दी, उनको जो दर्द होते हैं वो उनको खत्म करती है, गैंटिये के दर्द को खत्म करती है, जोड़ों के दर्द को खत्म करती है, पट्ठों के दर्द को खत्म करती है। गर्म जो चाय है 3-4 कप आपने इसके पीने हैं। खून में तहलका मतलब कि जो खेज मुसरात जिनसे जरासीम होते हैं उनको भी खत्म करती है। लोथड़े बनने वाले का जो आपको मसला होता है तो वन और बिल्ला उसको भी ये खतरों को खत्म करती है। सदस्य चाय बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को खत्म करती है, मोटापे को खत्म करती है, इस तरह पत्तों को काटती है जैसे कि मोमबत्ती की पत्तों को काटा जाता है, इतना नरम करके उनको मतलब कि खत्म करती है, ठीक है। और आपके जिस्म के अंदर लामहदूद तक इसको टेम्परेचर करती है यानी गर्म करती है और आपकी चर्बी को पिघलाती है। सबस चाय कैंसर जैसे मोहलिक बीमारियों को खत्म करती है, ठीक है। अगर आप सिगरेट पीते हो तो कम से कम अगर आप 3-4 कप रोजाना के ग्रीन टी के भी पियो तो बेशक जितनी मर्जी सिगरेट पियो, नहीं मैं ये ऐसे नहीं कह सकती, लेकिन सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं है, इस चीज से बचा करें। आपको एक बात बताऊं कि बहुत हमारे पास जो हमारे पेशेंट आते हैं, यकीन माने जब उनके एक्सरे या उनको उनके जब मतलब के ऑपरेशन वगैरह होते हैं या ब्रेड वगैरह होते हैं तो यकीन माने बहुत ऐसे होते हैं, लेकिन हम उनको नहीं बताते। तो उनसे पूछा जाता है कि कितनी सिगरेट पीते हैं, तो वो कहते हैं हम थोड़ी पीते हैं, इतनी ज्यादा तम्बाकू नोशी नहीं करते, लेकिन उनके जिगर के ऊपर दायरे ऐसे गोल गोल दायरे बने होते हैं, कई के तो सुराख हुए होते हैं, ठीक है ना, जिगर पे। तो यकीन माने इस चीज से बचें, क्योंकि एज अ डॉक्टर होने के मतलब की वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह भी पेशेंट के साथ होता है, लेकिन वो परेशान ना हो तो लेकिन उनके घर वालों को हम लाजमन बताते हैं कि इनको सिगरेट वगैरह से दूर रखें। अगर ये अब भी सिगरेट पीते रहेंगे तो फिर ये दोबारा कभी भी ये रिपेयर नहीं होंगे। तो तम्बाकू नोशी करने वाले, पान खाने वाले, या बहुत ज्यादा हिंदुस्तान में या इस तरह कराची में खासकर तो गुटखा ये पान ये सिगरेट ही तम्बाकू नोशी बहुत ज्यादा इस्तेमाल, इस चीज से परहेज करें। मेरी आपसे अपील की जाती है, अगर कोई आपका दोस्त अहबाब या बहन जो है अपने भाइयों को मना कर सकती है, माए बेटों को मना कर सकती है, सिगरेट पीने से उनको दूर रखें। लेकिन क्योंकि इसका कोई फायदा नफा तो है नहीं, और ना ही जो है इसका फायदा है तो नुकसान ही नुकसान है उनके लिए। तो मैं आपको अपील करती हूँ कि सिगरेट पीने से उनको मना करें, क्योंकि हम यकीन माने कि हमें जब उनके बहुत दुख होता है जब उनको चेक करवाया जाता है या उनका जब ऑपरेट होता है तो बहुत से लोग जो होते हैं जब उनकी ट्रीटमेंट जारी की जाती है तो सिगरेट की वजह से उनके जो फेफड़े होते हैं वो भी खराब हुए होते हैं, और नंबर दो उनके जिगर के ऊपर दाग बने होते हैं, सुराख होने वाले होते हैं, ठीक है। तो अल्लाह पाक की रहमत का नजायज फायदा तो ना उठाए। दिन में 3-4 कप जो है आप सबस चाय के पिए, ग्रीन टी के पिए, तो यकीन माने कि जो आप तम्बाकू नोशी करते हो या दिल के मर्ज के लिए तो मैं कहती हूँ ग्रीन टी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ग्रीन टी का 1 कप जो आप पीते हो तो कम अज कम 6 से 8 सेब के बराबर ये मुकाबला करती है। इतने तो सेब आप खा भी नहीं सकोगे सिर्फ 1 कप से आपको मिलता। अगर आप सोचो कि अगर आप 3 कप रोजाना के पीते हो, ठीक है ना, 3 कप से 4 कप पीते हो तो 32 सेब आप खाते हो, 16 सेब खाते हो, अगर आप खुद क्वांटिटी का हिसाब लगाओ तो। इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, बहुत नया है, आप खुद भी घर में आसानी बना सकते हो। आपने बाजार से लिप्टन वालों की भी मिलती है, टिपाल वालों की, हर तरह से आप तो ग्रीन टी बहुत ज्यादा इन हो चुकी है, आप मंगवा के पी सकते हो। उबाला पानी और उसके अंदर टी पैक को टिप किया और 2 मिनट के लिए छोड़ा, ग्रीन टी तैयार। हर फ्लेवर भी आई है, फ्लेवर को चेंज करने के लिए आप उसके अंदर पुदीने का इस्तेमाल कर सकते हो, लीमे का इस्तेमाल कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि सिगरेट वाले बहन भाई जो बहने हैं वो अपने भाइयों को रोके, शोहरों को जो बीवी है वो रोके, माए जो उनसी है जो सिगरेट पीती है वो जो माए अपने बेटों को मना कर सकती हैं, ठीक है, इन सब चीजों को आप खुद मतलब के मना कर सकते हो। इजाजत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मैं हूँ
डॉक्टर जारा, अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आसानी आप तक पहुंच जाए, और इस बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि जैसे ही वीडियो पोस्ट हो तो आपको फौरन नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, जो भी आपका कोई परेशान दोस्त है या आपका कोई फ्रेंड है आप उसको भी ये वीडियो पोस्ट कर सकते हो ताकि उसकी मदद की जा सके। एक इंसान की मदद करना ऐसे है जैसे पूरी दुनिया के इंसानों की, परेशान हाल लोगों की मदद करना। इजाजत है, अल्लाह हाफिज। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना, और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे, तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुँच। अस्सलाम वालेकुम।